अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप ऑटो इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। इंटरनल लिंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए और आपकी वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हैं उसके इंडेक्सिंग के लिए। लेट्स सपोज आपकी एक जो ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स है और बाकी दूसरी ब्लॉग पोस्ट जो है वो इंडेक्स नहीं है। अगर उसके अंदर आपका इंटरनल लिंक ऐड है उस वाली ब्लॉग पोस्ट का जो कि इंडेक्स नहीं है, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं इंडेक्स होने के और रैंक होने के, राइट? क्योंकि लिंक जो पास हो रहा होता है, अगर फर्स्ट वाले पे ट्रैफिक है तो दूसरे वाले पे भी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो मेन टॉपिक है वो इंटरनल लिंकिंग की अहमियत या उसके फ़ायदे बताना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि किस तरह से आप ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, हर बार हर चीज़ों को खुद से करना पड़ता है, खुद से एडिट करना पड़ता है, जो कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर लिंक्स लगाने पड़ते हैं किस पोस्ट के। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली करेंगे कि रेलिवेंट पोस्ट जो रिलेटेड पोस्ट है वो हर पोस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, ताकि आपका विजिटर जब एक पोस्ट पढ़े तो उसके अंदर उसको जो रिलेटेड पोस्ट या जो उसकी इंटरनल लिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली शो हो और वो उन आर्टिकल्स को भी पढ़ने के तरफ जा सके, राइट? तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये हमारे पोस्ट है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें किसी तरह की कोई इंटरनल लिंकिंग जो है वो नहीं हुई पड़ी, राइट? जिससे हमारा जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा सा लग रहा है और हम इंगेजिंग नहीं बना पा रहे इसको। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर और सिंपल जो है प्लगइन्स के अंदर आ जाना है। एड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सर्च करना है एक प्लगइन, ऑटो इनलाइन रिलेटेड पोस्ट्स। तो सिंपल यहाँ पे हमने ये सर्च किया, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर दूँगा। तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखें, इसकी हमारे पास सारी सेटिंग्स नज़र आ गई हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यू यूजिंग फ्री वर्जन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेटिंग्स आ गए। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखें, आप काफ़ी सारे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। इनको मैं अभी आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। और सिंपल यहाँ पे देखें, आप इंसर्ट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट हाउ मैनी बॉक्सेस पर सिंगल पोस्ट, मतलब एक पोस्ट के अंदर कितने रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो, आप इसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो तीन ही काफ़ी है। और यहाँ पे देखें, इसको इंसर्ट बॉक्स एट द एंड ऑफ द पोस्ट इफ़ नीडेड। अब यहाँ पे देखें, इन सेटिंग्स को आप खुद देख सकते हैं और जब कोई उस पर क्लिक करे तो वो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो, उसी टैब में ओपन हो, तो इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस पोस्ट को दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि किस तरह से वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रीलोड किया और मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखें, ये जो है ऑटो जो पोस्ट है, इसके रेलिवेंट पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो गई। और यहाँ पे देखें, एक और पोस्ट भी यहाँ पे शो हो गई इस तरह से, एंड वंस मोर। तो इसकी जो अब हम सेटिंग्स है वो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसकी जो ओपेसिटी है, इसके कलर्स वगैरह। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स हैं, इनको मैं अगर चेंज करूँ, लेट्स से लाइट, और इसको मैं अगेन सेव करूँ और रीलोड करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि किस तरह के चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने जैसे रीलोड किया और यहाँ पे देखें, ये जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो गया। इस तरह से आप इस कस्टमाइजेशन मजीद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। आई होप आप लोगों को समझ आ चुके हो किस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक।